हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भेद एकेडमी में। आज से हम अपने चैनल पर 10th इंग्लिश की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम आपको सारे चैप्टर सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कराएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज होंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आप कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जब भी आप वीडियो देखने बैठें एक पेन और कॉपी आप अपने साथ रख कर बैठें ताकि कुछ भी मैं डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपको बताऊं तो आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी एंड आपको क्वेश्चन को याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की शक्ति। तो सबसे पहले हम वन और टू सेंटेंसेस वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। ड्यूटी यानी होता है कर्तव्य। तो लिटिल बॉय, नन्हे बच्चे का क्या कर्तव्य था? तो इसका आंसर है हमारा, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे एंड टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव। फायर यानी होता है आग, वार्म यानी होता है गर्म, अर्ली यानी जल्दी और अराइव यानी आना या पहुँचना। तो जो नन्हे बालक की ड्यूटी थी, कर्तव्य था, वो ये था कि वह विद्यालय जल्दी आकर शिक्षक व छात्रों के आने से पूर्व कमरे को गर्म करने के लिए आग जलाए। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे एंड टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय When he was taken out of the burning school building। Condition यानी होता है स्थिति, little यानी नन्ना या छोटा। तो जब बालक को जलते विद्यालय से बाहर लाया गया तो उसकी स्थिति कैसी थी? The little boy was taken out of the burning school building। जब बालक को जलते विद्यालय से बाहर लाया गया, at that time उस समय he was unconscious, more dead than alive। उस वक्त वह बालक अचेत था, अधमरी हुई हालत में था, अधमृत आप इसको बोल सकते हैं। एट दैट टाइम ही वॉज अनकॉन्सियस, उस समय वह बेहोश था, अचेत यानी बेहोश होता है, मोर डेड देन अलाइव, और वह अधमृत यानी अधमरी अवस्था में था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द वंट बॉय। यहाँ पर आर हमारा साइलेंट है तो बी यू एन टी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वंट। वर्ड वॉज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द वंट बॉय, आर यहाँ पर साइलेंट है तो आपका प्रोनाउंसिएशन वंट होगा, आपको याद रखना है। द डॉक्टर्स ओपिनियन वॉज दैट द बॉय वुड सोरली डाई। ओपिनियन यानी होता है राय, श्योरली आप बोल सकते हैं निश्चित रूप से। तो डॉक्टर की राय यह थी कि वह बालक निश्चित ही जीवित नहीं रह पाएगा, अर्थात वह मर जाएगा। द डॉक्टर्स ओपिनियन वॉज दैट द बॉय वुड सोरली डाय। डॉक्टर का कहना था कि निश्चित रूप से यह बालक अब जीवित नहीं रहेगा, वह मर जाएगा। व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बंट बॉय, तो द डॉक्टर्स ओपिनियन वॉज दैट द बॉय वुड सोरली डाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड सोरली डाय। डिसाइड यानी निश्चित करना होता है, तो जब बालक ने यह सुना कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा तो उसने क्या निश्चय किया? तो ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा। व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड सोरली डाई, जब बालक को पता चला कि वह निश्चित ही मर जाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा, तो उसने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया? तो ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब हम टू और थ्री सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला हमारा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड ऑन द टेरिबली बर्नड बॉय। टेरिबली यानी होता है भयानक रूप से, तो भयानक रूप से जले बालक पर डॉक्टर के शब्दों का क्या असर हुआ? व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड ऑन द टेरिबली बर्नड बॉय। द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, ही
बुड बॉक। ब्रेव यानी होता है बहादुर। तो उस बहादुर बच्चे ने निश्चय किया कि वह अपाहिज नहीं रहेगा, वह चलेगा। द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, उसने यह निश्चित किया। ब्रेव यानी होता है बहादुर। तो उस बहादुर लड़के ने यह निर्णय लिया कि वह अपाहिज नहीं रहेगा, वह चलेगा। ही वुड वॉक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी यानी होता है विकलांगता। तो माँ ने बालक को विकलांगता पर विजय पाने में किस प्रकार मदद की। हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी यानी होता है विकलांगता। माँ ने बालक को विकलांगता पर विजय पाने के लिए किस प्रकार मदद की। तो इसका आंसर है हमारा, हिज मदर वॉज ऑल्सो ब्रेव, उसकी माँ भी बहादुर थी। सी वॉन्टेड दैट ही शुड ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, और वह चाहती थी कि उनका जो पुत्र है वो विकलांगता पर विजय पाए। एवरी डे सी वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, हर दिन प्रतिदिन वह उसकी टांगों की मालिश करती थी। सी टुक हिम आउट ऑन व्हील चेयर एंड इनकरेज्ड हिम। इनकरेज यानी होता है उत्साह बढ़ाना, उत्साह वृद्धि करना। उसे व्हील चेयर पर बाहर ले आती व उसका उत्साह बढ़ाती थी। इनकरेज यानी होता है उत्साह बढ़ाना, मोटिवेट करना, आप इसको बोल सकते हैं। हिज मदर वॉज ऑल्सो ब्रेव, उसकी माँ भी बहादुर थी। सी वॉन्टेड दैट ही शुड ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, वे चाहती थी कि वे विकलांगता पर विजय प्राप्त कर ले। एवरी डे सी वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, वे प्रतिदिन उसके पैरों की मसाज करती थी। सी टुक हिम आउट ऑन व्हील चेयर, उन्होंने उस बच्चे को व्हील चेयर से बाहर लेके आई एंड इनकरेज हिम, और उसे मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि तुम ये कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इनेबल्ड द बॉय टू बिकम वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर। बालक को विश्व का सबसे तेज मील धावक बनाने के लिए योग बनाने वाले तत्वों का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। इनेबल्ड यानी होता है सक्षम, आपको नोट डाउन कर लेना है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इनेबल्ड द बॉय टू बिकम वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर। बालक को विश्व का सबसे तेज मील धावक बनने के लिए कौन कौन से तत्व हैं जो सहायक हुए, उनका हमें वर्णन करना है। फर्स्ट है हिज रेजोल्यूशन टू सर्वाइव। रेजोल्यूशन यानी होता है हमारा संकल्प। तो उसके जीवित रहने का जो निश्चय था फर्स्ट, वो था हिज रेजोल्यूशन टू सर्वाइव, उसका जीवित रहने का निश्चय, दृढ़ संकल्प। हिज फर्म डिटर्मिनेशन नॉट टू बी क्रिपल, और उसने ये अपने मन में पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे अपंग नहीं रहना है। हिज मदर्स नर्सिंग, और उसकी माँ की देखभाल सेवा। हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ट्रबल्स कमिंग इन हिज वे टू स्टैंड अप वॉक एंड रन, खड़े होने चलने व दौड़ने के कार्य में उसका संघर्ष व साहस। हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ट्रबल्स कमिंग इन हिज वे टू स्टैंड अप वॉक एंड रन, खड़े होने चलने व दौड़ने के कार्य में उसका संघर्ष व साहस। हिज इंटरेस्ट इन रनिंग, और उसकी दौड़ के प्रति दिलचस्पी। तो ये फैक्टर्स थे, इनकी वजह से वह वर्ल्ड का फास्टेस्ट माइल रनर बन सका। फर्स्ट है हमारा हिज रेजोल्यूशन टू सर्वाइव, उसके जीवित रहने का निश्चय। हिज फर्म डिटर्मिनेशन नॉट टू बी क्रिपल, उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे अपंग नहीं रहना है। हिज मदर्स नर्सिंग, उसकी माँ की देखभाल। हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ट्रबल्स कमिंग इन हिज वे टू स्टैंड अप वॉक एंड रन, खड़े होने चलने व दौड़ने के कार्य में उसका संघर्ष व साहस। हिज इंटरेस्ट इन रनिंग, और बच्चे का दौड़ के प्रति दिलचस्पी होना। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। आप इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं आपको बताना है। वी लर्न दैट थ्रू फर्म डिटर्मिनेशन वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स एंड कॉन्कर देम। कॉन्कर यानी होता है जीत। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प से हम किसी भी प्रकार की कठिनाइयों, विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। वी कैन लर्न दैट थ्रू फर्म डिटर्मिनेशन वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स एंड कॉन्कर देम।
हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कि दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से हम किसी भी प्रकार की कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल यानी होता है असंभव। इफ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन, यदि हमारा निश्चय दृढ़ है तो। फिर से आपको एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला हमारा क्वेश्चन था, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है प्रॉपर तरीके से। सेकंड है हमारा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। आगे हमारे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्नड बॉय, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्नड बॉय, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इनेबल्ड टू द बॉय टू बिकम वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।